नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, यह आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फाइनल रिवीजन का वीडियो नंबर 29। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फाइनल रिवीजन में मैं कुछ आप लोगों को कुछ चाबियां के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में समझाऊंगा। और ये आज का दिन, मतलब आज का जो डे है, वो आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए लास्ट दिन है, बराबर। तो सबसे पहली बात बच्चों, कि मैंने पहले भी बताया था और एक बार बता दूं कि जो नौवीं वाले बच्चे टेंथ में आए हैं और इलेवेंथ वाले ट्वेल्थ में आए हैं, तो उन लोगों को कहीं से भी रेडी रेकनर ग्रामर परचेज कर लेनी है। भले लास्ट ईयर की पुरानी मिले तो भी चलेगी, बराबर। तो वो सबसे पहले काम आप ये करना, ओके बच्चों। और दूसरी बात कि शायद कोई रूल रह गया हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो इस वीडियो में आ जाएगा वो, बराबर। और जो मेन इम्पोर्टेंट रूल्स है वो भी आज हम उसकी डिस्कस करेंगे, बराबर। और मैं आशा रखता हूँ कि जो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में मैंने आपको जितना भी वर्क दिया था वो आपने आज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वो आपको कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहली बात बच्चों कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेबल है, टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, जो दसवीं के जो मेन टेम्पलेट में है, बराबर, वो दोनों स्टैंडर्ड के बच्चों ने, दसवीं और बारहवीं वाले बच्चों ने याद कर लिए होंगे, बराबर। तो उसके बाद जो ट्वेल्थ वाला जो पैम्पलेट है, बारहवीं क्लास वाला, तो उसमें भी जो टेबल है वो भी आपको बराबर से याद करने हैं, बराबर। अब सबसे पहली बात कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हम डिस्कस करते हैं कि मेन चाबी की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मेन चाबी क्या है, ओके, बोलना, उसके बाद आया रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद संभालना और उसके बाद संयोजन। ये चार स्टेप तो आएंगे, बराबर। उसके बाद ही कोई भी वाक्य की शुरुआत होगी, तो ये आप बराबर याद कर लेना। ये चार चीज तो आएगी, बराबर। अब मान लो कि सादा वाक्य हो बेटा, तो सादा वाक्य हो तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले बोलना, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब यानी टोल्ड, उसके बाद संभालना और संयोजक आएगा दैट, बराबर। और दैट कब आता है और कब नहीं आता है, तो सुनो बच्चों, अगर दिए गए वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो दैट संयोजक आएगा, और दिए गए वाक्य की शुरुआत अगर क्रियापद से होती है तो वो वाक्य हो गया विशिष्ट प्रकार का वाक्य, बराबर, वो हो गया विशिष्ट प्रकार का वाक्य। और उसको हमने जो एक और भी नाम दिया है, और उसका इम्परेटिव सेंटेंस, अज्ञात वाक्य भी उसको कहते हैं। तो उसकी शुरुआत, जो क्रियापद से वाक्य की शुरुआत होती, उसके आगे संयोजक टू आएगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर यह हुआ कि अगर वाक्य के अंत में अगर फुल पॉइंट है तो आपको वाक्य को देखने, इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो संयोजक दैट आएगा, अगर क्रियापद से होती है तो उस वाक्य का ट्रांसलेट करके उसका आपको भावार्थ जानना पड़ेगा। मान लो कि उसमें हुक्म का भावार्थ है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑर्डर लिखना है, बिनती का भावार्थ है तो रिक्वेस्टेड लिखना है, उस प्रकार से, बराबर। तो इस प्रकार के वाक्य में संयोजक टू आएगा, बराबर। तो लास्ट में फुल पॉइंट वाले दो प्रकार के वाक्य हुए, जिस वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है वो वाला वाक्य, और वर्ब से होती है वो वाला वाक्य, बराबर बच्चों। और आगे की जानकारी, आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।